नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। बॉलीवुड सितारे बड़े पर्दे के अलावा निजी जिंदगी में क्या करते हैं, ये जानने के लिए फैंस हमेशा बेताब रहते हैं और उनकी छोटी से छोटी डिटेल्स जानने के लिए वो हमेशा आगे रहते हैं। और इसीलिए हम आपके लिए ये सेगमेंट लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि बॉलीवुड सितारे फिल्मों के अलावा और क्या करते हैं और अपनी निजी जिंदगी में समय कैसे बिताते हैं। तो इस सेगमेंट में आपको हम अक्षय कुमार से लेकर जानवी कपूर तक फिल्मों के अलावा वो क्या क्या करते हैं इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। वही बताने वाले हैं कि इन सितारे अब जो हाल ही में आज की बात करें या कल रात की बात करें तो वो कहां कहां पाए गए हैं और वो अपनी निजी जिंदगी में क्या कर रहे हैं। वही अक्षय कुमार की बात करें तो वो हाल ही में अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए कपिल शर्मा शो में पहुंचे थे। अगर वही जानवी कपूर की बात करें तो वो रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने गई थी। तो ऐसे बहुत सारे सितारे हैं जिसके बारे में हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि वो अपना वक्त फिल्मों के सेट के अलावा और बड़े पर्दे पर आपको एंटरटेन करने के अलावा कहां बिताते हैं और अपनी निजी जिंदगी में क्या करना पसंद करते हैं। तो देखिए ये वीडियो। आज परिणीति चोपड़ा और मिथुन चक्रवर्ती को फिल्म सिटी के एक सेट पर साथ में स्पॉट किया गया। यहां पर परिणीति चोपड़ा एक रियलिटी शो पे एज अ गेस्ट अपीयरेंस के लिए आई थी, वहीं मिथुन चक्रवर्ती रियलिटी शो के जज हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि परिणीति चोपड़ा ने येलो कलर की साड़ी पहनी थी और उन्होंने पैपराजी के सामने पोज भी दिया। वहीं अगर बात करें यामी गौतम की तो यामी गौतम ने बांद्रा के एक सैलून के बाहर स्पॉट की गई है। यहाँ पर यामी गौतम जो है वो बहुत ही जल्दबाजी में दिखाई दे रही थी, लेकिन पैपराजी के कहने पर उन्होंने उनके सामने पोज दिया और फिर वह सैलून के अंदर चली गई। वहीं अगर एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की बात करें तो रिया चक्रवर्ती कल रात अपने पापा के साथ मीशो रेस्टोरेंट में, जो कि बांद्रा में है, वहां पर डिनर करने के लिए पहुंची थी। यहां पर रिया चक्रवर्ती काफ़ी कैजुअल लुक में दिखाई दी और उन्होंने मीडिया के सामने पोज भी दिया। वहीं अगर बात करें एक्टर रणवीर सिंह की तो एक्टर रणवीर सिंह बांद्रा के एक क्रोम स्टूडियो में पहुंचे थे। आमतौर पर रणवीर सिंह हमेशा पैपराजी के सामने पोज ज़रूर देते हैं और फोटो ज़रूर खिंचवाते हैं, लेकिन इस बार वो काफ़ी जल्दबाजी में दिखे और वह सीधे अपनी कार से उतरकर स्टूडियो के अंदर चले गए। वहीं देर रात बांद्रा के मीजू रेस्टोरेंट के सामने जानवी कपूर को भी स्पॉट किया गया। जानवी कपूर यहां डिनर करने के लिए पहुंची थी। डिनर करने के बाद वो कैमरा के सामने आई और अपने कुछ पोज भी दिए। साथ ही जानवी कपूर रेस्टोरेंट के बाहर अपने ड्राइवर का वेट कर रही थी। जैसे ही गाड़ी आई, जानवी कपूर इसमें बैठ कर जाने लगी, लेकिन तभी एक व्यक्ति ने उनसे मदद मांगी। तब जानवी कपूर ने अपनी गाड़ी से दो बिस्किट का पैकेट निकाल कर उस व्यक्ति को थमा दिया और फिर वो वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ अगर अक्षय कुमार की बात करें तो अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म बच्चन पांडे आने वाली है, जिसे प्रमोट करने के लिए अक्षय कुमार दिन रात नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें अक्षय कुमार, कृति सेनन, जैकलीन फर्नांडिस और अर्शद वारसी की, तो हाल ही में इन्हें साथ में कपिल शर्मा के सेट पर स्पॉट किया गया। यहां पर अपनी फिल्म बच्चन पांडे को प्रमोट करने के लिए इन सारे सितारों ने एक साथ मीडिया के सामने पोज भी दिया। यहाँ पर अक्षय कुमार काफ़ी कैजुअल लुक में दिखाई दिए और उन्होंने मीडिया के सामने फ़ोटो भी खिंचवाई। वहीं वुमेंस डे के खास अवसर पर आलिया भट्ट जुहू के एक पीवीआर सिनेमा के बाहर स्पॉट की गई। यहाँ पर आलिया भट्ट अपनी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ा के स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए पहुँची थी, जो कि वुमेंस डे स्पेशल पर रखी गई थी। यहाँ पर आलिया भट्ट ने मीडिया से कुछ बातचीत भी की। वहीं देर रात विपाशा बसु अपने पति करण सिंह ग्रोवर के साथ डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट पहुंची थी। यहां पर करण सिंह का काफ़ी कैजुअल लुक सामने मीडिया को देखा गया। उन्होंने मीडिया के सामने फ़ोटो भी खिंचवाई और फिर उसके बाद एंट्री होती है उनकी धर्मपत्नी विपाशा बसु की। यहां पर दोनों अलग अलग कार से आए थे, लेकिन दोनों ने साथ में पैपराजी के सामने फ़ोटो खिंचवाई और फिर रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। वहीं अगर बात करें दूसरी तरफ अवार्ड शो की, तो मिर्ची म्यूजिक अवार्ड का
का रेड कार्पेट का आज दूसरा दिन था और यहाँ पे भी बहुत सारे सितारों ने अपने जलवे बिखेरे। यहाँ पर अगर बात करें संगीत जगत की तो संगीत जगत के बड़े बड़े सितारे रेड कार्पेट पर नजर आए और अपना जलवा बिखेरते हुए दिखे। एक तरफ जहाँ संगीत जगत के सोनू निगम, नेहा बसीन, कैलाश खेर से लेकर बड़े संगीतकार रेड कार्पेट पर नजर आए, उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की, साथ ही अपने कुछ गाने भी गुनगुनाए, तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म जगत से एक्ट्रेस तापसी पन्नू भी रेड कार्पेट पर नजर आई। यहां पर तापसी पन्नू ब्लैक ड्रेस में काफी खूबसूरत लग रही थी, साथ ही उन्हें एक स्पेशल अवार्ड भी मिला जिसके बारे में उन्होंने मीडिया से बातचीत की। साथ ही यहां पर आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि कई सारे सेलिब्रिटीज को इस रेड कार्पेट पर स्पॉट किया गया और इस रेड कार्पेट पर फिल्म जगत से लेकर संगीत जगत के दिग्गज सितारे नजर आए, उन्होंने मीडिया से खूब सारी बातचीत की, साथ ही मीडिया के सामने एक गाना भी गुनगुनाया और उन्होंने अपने अवार्ड्स के बारे में भी मीडिया से बातचीत की। यहाँ पर अगर बात करें मोहन सिस्टर्स की तो यहाँ पर शक्ति मोहन के साथ उनकी दोनों बहनें भी नजर आई, उन्होंने भी मीडिया से बातचीत की। इस मिर्ची अवार्ड के रेड कार्पेट पे दूसरे दिन भी सितारों का तांता लगा रहा, यहाँ पे सितारे जलवे बिखेरते हुए नजर आ रहे हैं। और अब मैं घर जाऊंगी। जो रिस्पांस मिल रहा है उसको लेकर क्या बोलना चाहेंगी? बॉक्स ऑफिस के लोग क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मैं अभी उसी कोई सब चल रहा है, काफी कल मैंने कुछ हमने कुछ वर्कआउट किया था तो इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही है काफ़ी। वी आर डूइंग ऑफ कोर्स सरस्वती को ट्रिब्यूट देना है जो अभी गई हैं सरस्वती हमारी, और पपीता हैं ऑब्वियसली उनका भी देखना है, और श्रवण जी तो इस साल तो काफ़ी हमारे नज़दीकी मेरे लोग गए हैं जिनको मैं प्यार करता हूँ बहुत, तो थोड़ा प्रोफाउंड भी है और ऑब्वियसली मस्ती तो होती रहती है तो वो भी होगा। Music composers and all the deserving artists and singers, they are gathering together in one night. इससे सुंदर night नहीं हो सकती, and I think ये हमारा पहला एक award function में performance है और हम तीनों का साथ में आना, वो भी नारी single के एकदम release के बाद, this is very very special. So मिर्ची ने एक हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी मेमोरी हमें दी है, सो थैंक यू मिर्ची फॉर दैट। एंड मैम रिसेंटली यू गॉट द अवार्ड फ्रॉम गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट। हमने आपको बताया कि कैसे एक तरफ रिया चक्रवर्ती अपने पापा के साथ डिनर करने पहुंची तो वहीं दूसरी तरफ यामी गौतम भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हुई दिखाई दी। वहीं अगर जानवी कपूर की बात करें तो वो भी अपने दोस्तों के साथ डिनर करने के लिए बांद्रा के एक रेस्टोरेंट में पहुंची थी, और वहीं अक्षय कुमार की बात करें तो वो अपना फिल्म प्रमोट करने के लिए द कपिल शर्मा शो में पहुंचे थे। तो ऐसे ही आपके जो बॉलीवुड के बड़े सितारे हैं वो अपनी निजी जिंदगी में क्या कर रहे हैं और अपना समय कहां बिता रहे हैं, इसके लिए हम आपको जानकारी देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, आगे की बॉलीवुड से जुड़ी दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ। धन्यवाद।